हमारे इस नुस्खे में हम यहाँ पर ले रहे हैं कोकोनट ऑयल, तो ये आपको किसी भी जनरल स्टोर या फिर किराने की दुकान पर इजीली मिल जाएगा। अगर ये आपके घर में पहले से ही है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको पैराशूट का कोकोनट ऑयल लेना है या फिर आप किसी और कंपनी का भी नारियल का तेल ले सकते हैं। तो इस नारियल का तेल हमारी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, मतलब ये हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे कई सब्सटेंस होते हैं, ऐसे कई तत्व होते हैं जो हमारे बालों की हेयर ग्रोथ को इनक्रीज कर देते हैं और उन्हें बहुत लंबा और घना बना देते हैं। तो कोकोनट ऑयल सालों से घरेलू नुस्खों में इस्तेमाल किया जा रहा है और ये बहुत ही असरदार तेल है, इसलिए हम हमारे नुस्खे में कोकोनट ऑयल को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऑडियंस, आपको करना क्या है कि आपको एक बाउल में या फिर एक कटोरी में 1 से 2 चम्मच कोकोनट ऑयल को ले लेना है। मैंने यहाँ पर 1 से 2 चम्मच कोकोनट ऑयल को ले लिया है, तो आपको भी अपने नुस्खे को तैयार करने के लिए 1 से 2 चम्मच कोकोनट ऑयल को ले लेना है। ऑलिव ऑयल मतलब जैतून का तेल। तो ऑडियंस देखिए, ऑलिव ऑयल बहुत ही ज्यादा पौष्टिक होता है हमारी हेयर ग्रोथ के लिए, और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल खाना बनाने के लिए बॉडी मसाज के पर्पस में भी किया जाता है, लेकिन मोस्टली जैतून के तेल का इस्तेमाल हेयर ग्रोथ के लिए किया जाता है। और मैक्सिमम हेयर प्रोडक्ट्स में जैसे कि हेयर सीरम्स, हेयर वाइटलाइजर्स और हेयर ऑयल्स, इन सभी में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑडियंस, इस बात में कोई शक नहीं है कि ऑलिव ऑयल आपके बालों को लंबा और घना बनाता है, और लंबा और घना बनाने के साथ साथ ऑलिव ऑयल हमारे बालों को मजबूत भी बनाता है। तो ऑलिव ऑयल आपको किसी भी जनरल स्टोर या फिर किराने की दुकान या फिर कॉस्मेटिक की शॉप पर इजीली मिल जाएगा। अगर आपको ऑलिव ऑयल जनरल स्टोर या फिर कॉस्मेटिक की दुकान पर नहीं मिलता है तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। तो आपको एक अच्छी ब्रांड का ऑलिव ऑयल को परचेस कर लेना है। तो इसे परचेस करने के बाद मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ फिगारो का ऑलिव ऑयल लिया है। तो एक अच्छी ब्रांड का ऑलिव ऑयल परचेस करने के बाद आपको एक बाउल लेना है या फिर आप एक कटोरी ले सकते हैं, उसमें आपको 1 टेबल स्पून मतलब 1 चम्मच आपको ऑलिव ऑयल को लेना है। तो ऑडियंस, हमारे आज के नुस्खे को तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर दोनों ऑयल्स को ले लिया है, आपको भी दोनों ऑयल्स को ले लेना है, वो भी इक्वल क्वांटिटी में। मैंने दोनों ऑयल्स को 1-1 चम्मच लिया है, तो आपको भी जितना रिक्वायर्ड लगे उतना दोनों ऑयल्स को इक्वल क्वांटिटी में लेना है। सो अब हम इन दोनों को कर लेंगे मिक्स। तो यहाँ पर मैंने दोनों ऑयल्स को कर लिया अच्छी तरीके से मिक्स। आपको एक बात ध्यान रखनी है ऑडियंस, आप जब भी ऑयल्स को मिक्स करो तो आपको दोनों को इक्वल क्वांटिटी में ही मिक्स करना है, ये नहीं कि आपने एक ज़्यादा ले लिया और एक कम। तो ये हमारा नुस्खा आज का तैयार हो चुका है। तो अब हम बात करेंगे कि हमें इस नुस्खे को किस तरीके से अप्लाई करना है। सो ऑडियंस, आपको नुस्खे को पहले अपने बालों में से लगाने से पहले अपने बालों को कर लेना है रेडी, मतलब अपने बालों को नॉर्मल वाटर से धो लेना है, लेकिन आपको कोई शैम्पू या फिर कोई भी कंडीशनर नहीं करना अपने बालों में, नॉर्मल वाटर से आपको धो लेना है और उनको अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है, जिससे आपके बालों में से डर्ट, ऑयल, जो कुछ भी लगा होगा वो निकल जाएगा। फिर इसके बाद ऑडियंस, आपको क्या करना है, आपको इस नुस्खे को अपने बालों में लगाना है। आप चाहे तो इसे दिन में भी लगा सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसे रात में भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको इस नुस्खे को लगाने से पहले आपके बालों को धोना है, फिर ही इसको अप्लाई करना है। तो जब आप इस नुस्खे को अपने बालों में लगा लें तो आपको 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरीके से अपने बालों में मसाज करनी है, जिससे ये ऑयल जो रहेगा, जो हमारा नुस्खा रहेगा, वो हमारे बालों की जड़ों में अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगा और जिससे हमारे बाल अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। तो अपने बालों में मसाज करने के बाद ऑडियंस, आपको इस नुस्खे को 2 घंटे के लिए अपने बालों में लगे रहने देना है, जिससे भी आपके बाल इसे अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो 2 घंटे के बाद आपको अपने बालों को धो लेना है अच्छे तरीके से नॉर्मल वाटर से, या फिर आप गुनगुने पानी से भी अपने बालों को धो सकते हैं, लेकिन आपको एक और बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो पानी ना ज्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही ज्यादा गर्म। आपको अपने बालों को गुनगुने पानी से धो लेना है, और बालों को धोते समय आपको अपने बालों में ना ही किसी शैम्पू का इस्तेमाल करना है और ना ही किसी साबुन का, आप चाहें तो कंडीशनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको अपने बालों को धोते समय इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऑडियंस, आपको 1 हफ्ते में 3 से 4 बार इस नुस्खे को अपने बालों में लगाना है, मतलब इस ऑयल को 3 से 4 बार 1 हफ्ते में अपने बालों में लगाना है, जिससे आपके बाल अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे, और आपको 4 से 5 हफ्ते तक इस नुस्खे को लगातार अप्लाई करते रहना है। और ऑडियंस, आप 2 से 3 हफ्तों में ही ये बात ऑब्जर्व करोगे कि आपके हेयर्स बहुत अच्छी तरीके से लंबे और घने होने लगेंगे, मतलब उनकी हेयर ग्रोथ की जो स्पीड थी वो बढ़ जाएगी। तो ऑडियंस, आज की हमारी जो वीडियो थी यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको ये नुस्खा अच्छा लगा है तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, और हम हमारे चैनल पर हेयर ग्रोथ और हेयर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो अब मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में किसी नए नुस्खे के साथ।